मोमबत्ती दिए ले लो, मोमबत्ती ले लो, दिए ले लो। ये कैसे दिए बाबूजी? 250 के 100 हैं। एक काम कर, 200 दिए दे दे। ठीक है बाबू। और 3-4 पैकेट मोमबत्ती के डाल दे, करवा भी डाल दे। ये लीजिए बाबूजी, आपके हो गए 650 रुपए। ये क्या बाबूजी, तो 550 रुपए हैं। अरे सही पैसे दिए, रख ले बाबूजी। इतना कम में नहीं हो पाएगा, 20-30 रुपए तो बचता है हमको। एक काम कर, पकड़ अपना सामान। इसीलिए तुम जैसे लोगों से सामान नहीं लेते, तुमसे तो गुप्ता की दुकान है, उनसे ले लेंगे हम। बाबूजी नाराज क्यों हो रहे हैं, 10-20 कम दे दो, हमारी भी दिवाली मन जाएगी। और गुप्ता जी क्या हाल है? भाई बढ़िया। अच्छा एक काम करिए, 200 दिए दे दो। अच्छा। और 8-10 पैकेट मोमबत्ती के डाल दो। ये लो जी, आपके हुए 1160 रुपए। अरे गुप्ता जी सही पैसे लगा लो, इतना पुराना कस्टमर हूँ मैं आपका। इसीलिए तुम जैसे लोगों से सामान नहीं लेते, तुमसे तो गुप्ता की दुकान है, उनसे ले लेंगे हम। ये रखो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। आपने इधर किसी दी वाले को देखा? हाँ, इस तरफ गया है। क्या रे बिरजू, तेरे दिए बिके नहीं क्या अभी तक? सुबह से कुछ नहीं बिका भाई। यार मेरे सारे दिए तो बिक गए, मैं घर जा रहा हूँ। पर मैं कैसे घर जाऊँ भाई? क्यों? मेरे घर में छोटे छोटे भाई बहन हैं, अगर मैं घर खाली हाथ गया तो मायूस हो जाएंगे। और मैंने सुबह से इतना भी नहीं कमाया है कि मैं उनके लिए पटाखे या मिठाई ले जा सकूँ। चल कोई बात नहीं यार, तू निकल, मैं आता हूँ। ठीक है यार। ये दिए कैसे दिए? दिया 250। अरे बाबूजी आप हम गरीब से दिए क्यों लीजिएगा? आप तो ओनली बड़ी ऊंची दुकान से दिए लेंगे ना। चलो छोड़ो, ये सारे दिए कितने के हैं? सारे दिए? हाँ भाई सारे दिए। ये कुछ 800-900 के होंगे। और पूरा टोकरा? पूरा टोकरा? हाँ भाई पूरा टोकरा। ये कुछ 1200 का होगा बाबूजी। ये ले 1500 रुपए। 1500 किसके बाबूजी? 1200 रुपए तेरे टोकरे के, 300 रुपए मेरी तरफ से तेरे भाई बहनों के लिए। इन पैसों से इनके लिए मिठाइयाँ ले लेना। और इस बार दिवाली तुम्हारे घर में मनेगी, तुम्हारे घर की इस बार दीप जलेंगे। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली बाबू जी। उस दिन मुझे डिस्काउंट तो नहीं मिला, पर घर लौटते वक्त मन में एक अजीब सा सुकून था, एक तसल्ली थी कि आज इस गरीब के घर अंधेरा नहीं रहेगा। अगर हम बड़े दुकानों के बजाय इन गरीबों से कुछ सामान खरीद लेंगे तो हमारे साथ साथ इनके बच्चे भी खुशियां मनाएंगे। करके देखिए, अच्छा लगेगा।